कि ये जो वेपन्स का मार्केट खुल रहा है और जिसमें एक इनसिक्योरिटी बढ़ी है यूरोप में, उसमें नाटो देश कहाँ खड़े रहेंगे और किस तरीके उनकी पोजीशन होगी, तैयारी भी उनकी बहुत चल रही है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, इस बीच एक खबर है कि यूक्रेन संकट के बीच नाटो का बड़ा प्लान है, रूसी सीमा के पास करेगा वॉर एक्सरसाइज, नाटो देश अपने सैनिकों को देंगे प्रशिक्षण। वॉर एक्सरसाइज में 27 देश के 30,000 सैनिक शामिल होंगे। नॉर्वे सीमा के पास 200 विमान 50 जहाज भी लेंगे हिस्सा, बड़ी वॉर ड्रिल नाटो की तरफ से। यह साफ संकेत है कि वो पूरी तरह से अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। और ये देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद ऐसा दिख रहा है कि नाटो देश अपनी ताकत को न सिर्फ दिखाना चाहते हैं बल्कि एक तरीके से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप ही के पास आ रहा था मैं उस क्वेश्चन को लेकर कि जो एक इनसिक्योरिटी अब हो गई है उस पूरे एरिया में और जो वेपन्स की रिक्वायरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट और ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें जो अमेरिका का फायदा होगा, लेकिन जो नाटो की अपनी जो साख की बात थी, जेलेंस्की ने ये क्वेश्चन कर दिया कि भाई आपके भरोसे हम आए थे, आपने कुछ किया नहीं, हम मिटेंगे तो आप भी मिटेंगे, तो कम से कम ये थ्रेट जो है नाटो को कहां लेके जा रहा है, ये जो तैयारी है, जो वॉर ड्रिल देख रहा है, तो इतनी गिर गई है कि आपने सुना होगा जेलेंस्की ने दो दिन या तीन दिन पहले कहा कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।